ऑल इंडिया सेफर्ड एसोसिएशन के द्वारा आज ये गडरिया महासम्मेलन किया जा रहा है। गडरिया समाज की पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ की आबादी है और अलग अलग प्रांतों में गडरिया समाज को पाल, बघेल, धनगर, होलकर, कुर्मा, कुर्बा, पाटिल, गद्दी, कुरंबर आदि नामों से जाना जाता है और हमारी आबादी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है। आज जो ये गडरिया समाज का महासम्मेलन है, इसमें पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग और देश के सभी प्रांतों से सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ भाग लेंगे और यहाँ पर गडरिया समाज को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप से भागीदारी मिले, इसका संकल्प हम सब लोग लेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप हमारे साथ साथी हैं, हमारे एक बात बताइए, आज जो एससी ओबीसी की समाज जो है सारा एकत्रित नहीं हो पा रहा, उसका क्या विशेष कारण है? जबकि एससी एसटी ओबीसी लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे, जबकि 85% बहुजन समाज के यही लोग हैं, फिर भी एकत्रित ना होने का क्या कारण है? सर, हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो विभिन्न दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने गुटबाजी कर रखी है, वो संगठित नहीं हो पा रहे और हम आज इस शुभ अवसर पर जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सेफर्ड एसोसिएशन के तहत, हम भारत सरकार से मांग करते हैं 31 मई 1967 को जो उनका जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय पर्व घोषित हो, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, हमारी ये डिमांड है। और हम एससी समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, एसटी समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं ऑल इंडिया सेफर्ड एसोसिएशन के तहत और हमारा ये प्रदर्शन, जैसा राजेंद्र पाल जी ने बताया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार जारी रहेगा। जो हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या है 125 करोड़ की, जो देश की संख्या है, उसमें हम 15 करोड़ गडरिया समाज के लोग आते हैं, तो आने वाले समय में हमारी ये डिमांड है आज कि जो राजनीतिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो हमें राजनीतिक सीटों में, चाहे लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभा के हों, हमें उचित प्रतिनिधित्व दें हमारे जनसंख्या के आधार पर। गडरिया समाज के इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन करने का क्या विशेष कारण है? पढ़ा कि आज गडरिया समाज का अपना खुद का कार्यक्रम आयोजन करना पड़ा। गडरिया समाज बहुत पुराना समाज है, बहुत सिंपल समाज है, बनों में रहा है अपने पशुओं के साथ, तो ये लोग बहुत सिंपल समाज में रहने के कारण, प्रकृति के निकट रहने के कारण मॉडर्न सभ्यता से दूर रहे। और जब 1953 में काका कालेलकर समिति बनाई गई ओबीसी को कुछ देने के लिए, तो एसटी एसटी को तो दे दिया गया था, उसमें काका कालेलकर समिति ने बॉम्बे, जो आजकल जो है महाराष्ट्र वगैरह और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ स्टेट्स हैं, उनमें इनमें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में इनको डाला था गडरिया समाज को। लेकिन कुछ कारणों से, क्योंकि लगा के बहुसंख्यक लोग है ये हैं, अगर ये जागृत हो गए तो परेशानी होगी, और वो काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट जो 1955 में सबमिट की गई थी, वो नेहरू जी ने उसको दबा दिया और वो बाद में लागू ही नहीं हुई, और लागू हुई तो उसके कुछ कुछ अंश किसी किसी प्रकार से लागू हुए और आज तक वो पूर्ण रूप में लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा समाज पीछे था, प्रकृति के निकट था, बहुत समाज अच्छा है, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादातर क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, लोगों को जो है लैंड होल्डिंग्स हैं उनको बेच बेच के लोग रिच हो गए हैं, जिन लोगों को कुछ आता जाता नहीं था वो लोग भी आ गए हैं, तो अब जो है हम लोगों को उस प्रकार से, उस बिल्कुल सिंपल होने के नाते पॉलिटिक्स में जगह नहीं मिल रही है, यही हमारी कमी है, अदरवाइज हम सब जगह। अभी ओबीसी समाज भी सड़कों पर धरने प्रदर्शन पर आ गया है। राजेंद्र पाल जी, एक बात बताइए, अगर आपकी मांगें जो हैं, किन मांगों को लेकर आप पहले यहाँ पर आए हैं वो बताएं। हमारा जो समाज है उसके इतिहास को दबाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य जी जो अखंड भारत के प्रथम सम्राट थे, सम्राट अशोक जो कि गडरिया समाज से संबंध रखते हैं, हमारे इतिहास को माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में, यशवंत राव होलकर जी और मल्ला राव होलकर जी, जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, शिक्षा में एनसीईआरटी की जो बुक हैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे समाज का पता लगे और जो महान पुरुष रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिले, उसको दबाया गया, साथ साथ गडरिया समाज को भी राजनीतिक रूप से कुचला गया।
हम जो हमारा जो ये आंदोलन है गडरिया समाज को राजनीतिक भागीदारी पूरे भारत में मिले, लोकसभा चुनाव में मिले, विधानसभा में मिले, निगम में मिले और अन्य निकाय के जो भी चुनाव होते हैं, जितनी जैसे हमारी भागीदारी है, लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या हमारे पूरे भारत में है, 2 करोड़ से ज़्यादा हम महाराष्ट्र में हैं, 2-2.5 करोड़ के आसपास ही हम उत्तर प्रदेश में हैं, बाकी सभी जगह हमारी आबादी पाई जाती है, लेकिन हमें उस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी जाती। आज जो हमारा ये जंतर मंतर से जो आंदोलन है, गडरिया महासम्मेलन है, इसका मैसेज पूरे देश में जाता है, तो यहाँ से हम पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को और अपने समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गडरिया समाज को इग्नोर ना किया जाए और उसको भागीदारी उसकी सुनिश्चित की जाए। राजेंद्रपाल जी, एक बात बताइए, अगर आपकी मांगों को नहीं मांगा जाता है तो आगामी योजना आपकी क्या रहेगी? आगामी योजना भी हमें जैसे आज यहाँ हो रहा है, इसमें हमारे सभी राज्यों से जो है प्रतिनिधित्व आएंगे, तो हमने अपने सभी राज्यों में, सभी शहरों में छोटे छोटे आंदोलन के रूप में, धरने प्रदर्शन के रूप में अपने कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिससे कि हमारी राजनीतिक समाज में पहचान और बढ़े। उसको लेकर ऑल इंडिया सेफर्ड एसोसिएशन पूरे देश में धरने प्रदर्शन और राजनीतिक मीटिंग, विचार मंच, इस तरह के आंदोलन करेंगे। हाँ। हमारे साथ मैडम भी हैं। मैडम, एक बात बताइए, आज आप अपने आप को देश के अंदर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देश के अंदर तो कोई सुरक्षा है ही नहीं, बोलने से भी अच्छा रहेगा जी, क्योंकि लेडीजों के साथ इतना जगह में बलात्कार, इतना जगह में वो हो रहे हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। आप सारे जनता जानते हैं इस बात को जी, सारी जनता जानती है, मतलब महिला भी आज सुरक्षित नहीं है। चलिए, आप हमारे साथी हैं, क्या नाम है साहब आपका? गणेश पाल। गणेश जी, एक बात बताइए, आज ओबीसी समाज बहुत दिनों बाद, वैसे तो उतरता रहता है धरने प्रदर्शनों पे, मतलब ओबीसी समाज को क्यों याद आया कि अब धरने प्रदर्शनों के बिना काम नहीं चलेगा? क्योंकि हमें हमारा जो प्रतिनिधि है देश में वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हम शून्य पे हैं, जबकि हमारा समाज जब देश आज़ाद हुआ इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं वो आगे आके उन्होंने सब चीज़ों पे कैप्चर कर लिया, देश के जो संसाधन हैं उन पे भी कैप्चर किया, राजनीति में भी। आप देखिए राजनीति में अभी लोकल जो स्टेट चुनाव हुए हैं उसमें गुंडा प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर MLA बने हैं, और जो अभी राजस्थान का मैं देख रहा था आंकड़ा, उसमें जितने 185 में जो हैं करोड़पति हैं, जो पहले से करोड़पति है वो आम जनता की दुख दर्द को नहीं जानता, जो जमीन से जुड़ा आदमी है वो जानता है कि लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। तो उस तरह से जब करोड़पति अरबपति आएंगे तो जो आम जनता है, जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो बढ़ती जा रही है। हमारा समाज एक बहुत ही सिंपल और वो है जिसकी कस्में आज भी पूरे देश में ईमानदारी के नाम से खाई जाती हैं, उस समाज को बिल्कुल इग्नोर करा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी मिले पूरे देश में, जो आबादी हमारे सभी साथियों ने बताई है, मैं उस बात को रिपीट नहीं कर रहा, जो हमारी आबादी है, हम आबादी के हिसाब से अनुपात से हमें भी अपनी भागीदारी चाहिए। भागीदारी के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो राजेंद्र पाल ने कहा है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ धरने हर जगह, हर स्टेट में, हर राजधानी में देंगे, और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे जिससे कि हम लोग एक निर्णय लेंगे जो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देगा, उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को जब बनाया था तो उन्होंने इसमें साफ तौर से लिखा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और ये अब SC ST OBC के लोग भी समझ गए हैं, और OBC समाज तो बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने धरने प्रश्नों को लेकर आ गए हैं।